आप सब मुतवस्सित या गरीब लोग बैठे, मेरे नबी जैसा गरीब पूरी कायनात में कोई नहीं। मैं जबूती सोमालिया गया हूँ, वहाँ के गुरबत को देखकर मुझे लगा जैसे लफ्ज़ गुरबत भी उनकी गुरबत पे रोता है। ऐसी गुरबत मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जो मैंने जबूती में देखी, सोमालिया में देखी, कैमरून में देखी, चौड में देखी, सूडान में देखी। 24 घंटे में एक दफ़ा भी खाना नसीब नहीं। हमारा गरीब से गरीब आदमी 24 घंटे में चूल्हा जला बैठता है, लेकिन मेरे नबी पर जो गुरबत आई है, कोई है पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे फिराई है जिसके घर में दो दो महीने चूल्हा ना जलता हो। मेरे नबी वो फ़कीर थे जिनके घर में दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए, कभी यूं करवट बदले, कभी यूं करवट बदले, बार 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 हज़रत आयशा के साथ। तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चारपाई की जो लकड़ी होती जिस पर बान बुना होता है उस पर पेट को यूं फिक्स करके और नीचे लटक, नीचे लटक कर धड़ आधा नीचे लटक। फकान कहब कौसैन को बदल, वाह 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 क्या मकाम है काब कौसैन, और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि यूं आधा धड़ नीचे लटक गया। अम आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत क्यों? आप उठ के बैठ गए, आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी, इसलिए प्रेशर दिया ताकि जो भूख की तलब है ना मेदे में उसको प्रेस किया, इसलिए पत्थर बांधते थे कि वो पीछे चला जाए। आप मस्जिद में तशरीफ फरमाते, एक साबिना कर कह यार उसको ये देखें कपड़ा हटाया, ये देखें मैंने पेट पे पत्थर बांधा। जिनके लिए कायनात बनाई, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई वल्लाह, जिनकी जुल्फों की कस्में उठाई वल्लैल इज़ा सजा, जिनके मुंह से निकले बोल की कसम उठाई वकीलही, जिनके किताब की कसम उठाई वल्कुरआनिल मजीद, जिनके शहर की कसम उठाई वहादल बलदिल अमीन। इतनी बड़ी हस्ती है, आपने कहा जरा इधर देखो, आपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपने दो पत्थर बांधे, देखो मैंने दो बांधे। कोई ऐसा फकीर है दुनिया में दिखाओ। आयशा भूख बहुत लगी तो अल्लाह के तो हज़रत आयशा रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह फिर आप अल्लाह से मांगते क्यों? आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात नहीं मांगू, मुझसे पहले मेरे जो भाई आए अंबिया वो इसी फकर में गए, मैं भी इस फकर में जाऊंगा। अपने घर में ये दुख रखा, अपनी औलाद के ज़बह होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला न करे, शिकवा न करे, हराम रास्तों पे ना जाए, गलत रास्तों पे ना जाए, और मालदार फख्र ना करे मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी बड़ी कमाई हो गई है। ये ना ये बड़ाई की चीज़ है ना वो छोटाई की चीज़ है, जिससे अल्लाह राज़ी है वो बड़ा है, जिससे अल्लाह नाराज़ है वो छोटा है, चाहे गरीब है चाहे मालदार। हज़रत आयशा फरमाती हैं बेटा दो दो महीने गुजर जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था, दो दो माह गुजर जाते थे। एक दफ़ा बाग में तशरीफ़ ले गए, अब्दुल्लाह बिन उमर आपके साथ हैं, सुबह का वक्त है तो आप खजूरें गिरी पड़ी जो मिल्क नहीं होती ना, किसी कौवे ने ठोंग मारी, किसी तोते ने उसको ऐसे ही वो उसको टुक दिया अपनी और उसके साथ चोंच के साथ तो वो गिर पड़ी। अब उठा के साफ करके खा रहे थे और अब्दुल्ला से कह रहे थे अब्दुल्ला तू नहीं खाता? उन्होंने कहा जी मुझे भूख नहीं है। आपने कहा अब्दुल्ला मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, तुम्हें कोई है जिसके यहाँ चार दिन फाका चलता हो? आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। हमारे दस्तरखान पे कितना खाना उठा के कूड़े के ढेर में जाता है, आज चार दिन गुजर चुके हैं मैंने कुछ नहीं खाया। हादिही सुबह राबिअतिन मा ज़ुक्तु शैया,
आज चौथी सुबह मेरे ऊपर तुलू हुई है, एक लुकमा नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे थे, काब बिन आजरा आए तो आपको देखकर ऐसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह माली अरा का मुतगैर लहू, या रसूल अल्लाह आपका चांद सा चेहरा चमकता, आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो आपने यूं देख अपने पेट पर यूं उंगली रख कर कहा, मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ दातिकम मुंदो फलाफ का। आज तीन दिन गुजर चुके हैं, पेट में एक रोटी का जर्रा दाखिल नहीं हुआ, जर्रा लुकमा नहीं, जर्रा रोटी का एक जर्रा पेट में दाखिल नहीं हुआ। और इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, अपनी उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिस्क दे तो अपनी हैसियत ना भूलो, और अल्लाह ना दे तो अपने हबीब की कुर्बानी ना भूलो। उन्होंने तो जानबूझ के ये किया, जानबूझ के, यानी कि आपको कोई तंगी अल्लाह की तरफ से, जानबूझ के। और सारे घर का ये हाल है, बस फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने गए, कहा बेटे मैं अंदर आ जाऊँ, मेरे साथ इमरान भी हैं, एक सहाबी थे अरब सरदार, मेरे साथ इमरान भी हैं। कहा अब्बा जान मेरे घर में इतनी चादर नहीं कि अपने आप को छुपा सको, पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर कोई नहीं, तो आपने अपनी चादर अंदर दे देगा, इससे पर्दा कर लो। तो लपेट ली। अब अंदर आए तो आपने पूछा, मैंने सुना था तो बीमार है, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ। तो बाप को देख के आंसू निकल आए, या रसूल अल्लाह बीमारी भी है और भूख भी है, दोनों ही है, सिर्फ बीमारी नहीं भूख भी है। बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ जाने वाले माथे पे कभी बल ना आया, बेटी के आंसुओं ने पिघला भी दिया और रुला भी दिया। आप भी रो पड़े, आप भी रो पड़े। फिर कहा मेरी बेटी न रो, वल्लदी बास अबा के बिलहक माँ दुख तो मैं सलासत एयाम दवा का, आज तीसरा दिन है मैंने एक लुकमा नहीं खाया मैं तेरे साथ। और मेरी बेटी मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे रब ने मुझे कहा था, मेरे हबीब अगर आप चाहें तो ओहद पहाड़ सोना बना दो, 10 मील लंबा चौड़ा है ओहद पहाड़, 10 मील मैं ओहद पहाड़ सोना बना दो आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो मैंने कहा नहीं या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूँगा, एक दिन खाना खाऊँगा। फिर फरमाया बेटी क्या तुझे ये इज्जत काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया? ये सरदारी सोने चांदी में तुल के नहीं मिली। ओए होए ना कुर्बान जाओ भाइयो, आप सब माशाल्लाह नौजवान नज़र आ रहे हो, थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप पढ़े हुए हो अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ा करो, अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ा करो, बड़ा ईमान भी बनेगा, हौसला भी मिले। आप हसन हुसैन को कहते थे मेरी आँखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे लाडले, जन्नत के चांद, जन्नत के सरदार, मेरे दो फूल, ये सारे अल्फाज हसन हुसैन के लिए हैं। और उनके भूख की वजह से रोने की आवाज़ सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन रोटी नहीं मांगी उनके लिए, रोटी नहीं मांगी। क्या अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फकीर बन के जा रहा हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान है, चंद दिन बर्दाश्त करो। आपने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं ना चला जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत चली जाए, सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। वमा या फुकराउल मोमिनी, और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोगों की, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ पहले दाखिल होंगे। हज़रत फातिमा के घर में फाका हद से बढ़ गया, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जाओ अल्लाह के नबी से कुछ तो मांग के आओ, कुछ हम कुछ तो पेट में जाए, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया। ये एक दफ़ा इतना फाका आया कि हज़रत अली जैसी हस्ती ने भी कहा जाओ,
तो आप तशरीफ लाई और दरवाजे पे दस्तक दी, तो इतना प्यार था। जब हज़रत फातिमा घर में दाखिल होती, अल्लाह ने हमें औलाद के साथ क्या सलूक करना है, अल्लाह ने हमें अपने नबी से ये भी सिखाया। हज़रत फातिमा जब भी घर में आती, और साथ ही तो घर था, दीवार से दीवार मिली थी, रोज का आना जाना था, तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे, आओ फातिमा क्या हाल है, खड़े हो जाते और तेजी से आगे बढ़ते। दरवाजे पर ही हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते, हाथ का बोसा लेते, बोसा लेकर हाथ पकड़े पकड़े बेटी को चारपाई पे पहले बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। अकरमु औलादकुम, मेरे नबी ने कहा औलाद को इज्जत दो, फिर वो तुम्हें इज्जत देंगे। हमारे माहौल में अक्सर माँ बाप ने औलाद पर डंडा ही उठाया होता है, फिर उनमें बगावत पैदा हो जाती, फिर कहते हैं औलाद ना फरमान। आपने दस्तक दी तो कहने लगे ये तो फातिमा की दस्तक है, खैर तो है, पहले तो कभी इस वक्त में आई नहीं। तो आपने उम्मे अमन से कहा दरवाज़ा खोलो, उम्मे अमन ने दरवाज़ा खोला तो आपने इस्तकबाल किया, बिठाया, पूछा बेटी क्या हुआ, इस वक्त में कैसे आए। कहा या रसूल अल्लाह बहुत फ़कर है, बहुत भूख है, आपके पास सोना कुछ माल आया है, कुछ हमें भी दे दिया जाए। इतनी साबिर बेटी जिंदगी में एक दफ़ा भूख की शिकायत लेकर आई, और आगे बाप ने फिर पेपर ले लिया, फिर इम्तिहान में डाल दिया। आपने कहा बेटी मेरे पास 5 बकरियां खड़ी हैं, दे दूं या 5 दुआएं सिखा दूं। ये भी कोई कितना सख्त मौका था, कितना सख्त मौका है कि सब्र का पहाड़ बेटी इतनी मजबूर होकर आती हैं कि या रसूल अल्लाह पूरा हाल। तो मेरे नबी कहते बेटी ये बकरियां भी ले जा, दुआएं भी ले जा, दोनों जमा कर देते, या दुआएं बाद में सिखा देते, बकरियां देते, एक तो दे देते। पर उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी, चूंकि उम्मत में अक्सर तबका गरीब होगा, तो आपने कहा बेटी 5 बकरियां दो या 5 दुआएं दो। तो वो समझ गई अपने बाप के मिजाज को कि अब्बा जान इम्तिहान ले रहे हैं। तो कहा अब्बा जान बकरियां छोड़ दें, मुझे दुआएं सिखा दें, मुझे बकरियां नहीं चाहिए। भूखे की रात भी गुजर जाती है और भूखे का दिन भी डूब जाता है। तो आपका चेहरा ऐसे खिल गया कि मेरी बेटी पास हो गई। कहा बेटी आप तुम दुआ में ये कहा करो या अव्वल अल अव्वलीन या आखिर अल आखिरीन या ज़ल कुव्वत अल मतीन या राहिम अल मसाकीन या अरहम अर राहिमीन। ये तेरे लिए 5 बकरियों से आला चीज। अब घर वापस गई खाली हाथ। हसली ने फरमाया तू तो कुछ भी नहीं लाई। का नहीं लाई हूं, बहुत कुछ लाई हूं। कहा क्या? कहा मैं दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। ذهبت للدنيا وجئت بالآخرة। तो असली ने फरमाया तेरा आज का दिन सबसे आला दिन, खैर अय्याम की हाल। दामाद का इम्तिहान ले लिया, असली को बुला लिया, अली 5,000 बकरियां दो कि 5 दुआएं दो। उस वहां तो 5 बकरियां, अब 5,000 कर दो। अली 5,000 बकरियां लेते हो या 5 दुआएं लेते हो? तो भी समझ गए कि आज मेरा महबूब मुझसे इम्तिहान ले रहा है कि अली कितना को मजबूत है अपने ईमान में। और फाके मैंने बता दी क्या गुजर रहे हैं। आदमी अपनी भूख सह लेता है, औलाद का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। अली 5 दुआएं दो के 5,000 बकरियां। असली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह दुआएं सिखा दें, बकरियां नहीं चाहिए। मेरे नबी का चेहरा खिल गया कि मेरा दामाद भी पास हो गया। काली तो ये दुआ मांगा कर रोजाना, अल्लाह मख़फ़िली दम्बी वसली खुलुकी वबारिकली फी रिज़्क़ी वक़न्निअनी बिमा रज़क़तनी वला तुज़हिब क़ल्बी इला शैइन सरफ़तहु अन्नी। ये 5 दुआएं तो मांगा कर, 5,000 बकरियों से ज्यादा है। अल्लाह मख़फ़िली दम्बी, अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ कर, वसली खुलुकी मेरे अखलाक आलीशान कर, बारक ली फी रिज़्क़ी मेरे रिस्क में बरकत दे, कन्ने ने बीमार रज़क़तनी मुझे लालच से निकाल दे, मुझे लालची ना बना।
مجھے حریص نہ بنا ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام ہے